हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड जो हमने एडुटेरिया का 100 सेट का जो 5000 क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट किया था, जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें ऑलरेडी हमने 23 तक कवर कर रखा है, 23 सेट तक, 24वें सेट से एंड बियॉन्ड हम लोग अब इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 24 नंबर का। इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा इसका कृष्णा बेसिन। सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज़ कृष्णा बेसिन। फर्स्ट है गोदावरी बेसिन, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। वेयर इज़ द नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो सेकेंड का राइट आंसर होगा, इट इज़ लोकेटेड इन कैलकटा। लिस्ट वन को लिस्ट टू से अगेन मैच करना है। ये जो पौधों में जो बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड है, तो इसका सही मैच होगा ब्लैक रस्ट जो होता है वो वीट में होता है, स्टेम रॉट होता है राइस में, वाइट रस्ट इज मस्टार्ड में, ठीक है। एंड अर्ली ब्लाइट होता है पोटैटो का। तो करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेस्टियल बॉडी। करेक्ट आंसर होगा इसका, सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, मून भी है, अर्थ भी है और मीटेरॉइड्स भी हैं, तो सारे जो हैं सेलेस्टियल बॉडी हैं। ऑन विच माउंटेन रेंज इज कोडाईकनाल लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, ये है पलनी माउंटेन रेंज पे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज हमारा जो रैंक है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, काफ़ी कम एरिया है हमारे पास वर्ल्ड का, और ये एरिया जो है ये है टोटल सेवेंथ रैंक है हमारा। विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ साउथ एशिया। लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ साउथ एशिया इज़ थार डिजर्ट। साउथ एशिया का लार्जेस्ट डिजर्ट जो है हमारा वाला राजस्थान वाला थार डिजर्ट। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। मोस्ट करेक्ट आंसर होगा इसका टर्सरी सेक्टर, या फिर इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड द स्टेट टू बी नेसेसरी एविल। करेक्ट आंसर होगा नाइन्थ का, इकोनॉमी का सवाल है, आंसर होगा थॉमस पेन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक गिव्स लोन्स टू इट्स प्रिफर्ड कस्टमर इज नोन एज। इसे कहते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। अपने प्रिफर्ड कस्टमर को, जैसे कि कुछ जो बैंक के एम्प्लॉई भी हो सकते प्रिफर्ड कस्टमर में, उनको प्राइम लेंडिंग रेट मतलब मिनिमम रेट पे दिया जाता है। इन विच स्टेट इज़ रेणुका लेक लोकेटेड। रेणुका लेक इज़ लोकेटेड इन, आंसर 11th का करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। व्हाट वॉज द नंबर ऑफ मेम्बर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमेटी में सब कमिटियां बहुत थी, तो टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे उसमें वो था 7। आंसर इज बी 7। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इज मैरिज एंड डाइवोर्स। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर होगा 14 का डी, आर्टिकल 98 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो लाल बहादुर शास्त्री बिकम ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉट ट्रू। बाकी द प्राइम मिनिस्टर डायड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, 3 प्राइम मिनिस्टर्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट लाल बहादुर शास्त्री वॉज नॉट द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अमेंडमेंट हुआ था, 21st अमेंडमेंट एक्ट आया था 1969 में। द आर्टिकल रिलेटिंग टू चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज,
तो 17 का राइट आंसर होगा आर्टिकल 89। ईवीएम मशीन्स जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये केरल की असेंबली इलेक्शन में वे बैक 1999 में यूज हुआ था। नेक्स्ट है, वॉट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें जो मिनिमम नंबर है वो 40 है, इससे नीचे नहीं जा सकता ये नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वॉज अपॉइंटेड ट्वाइस। 20 का सही आंसर होगा औरंगजेब, दो बार अपॉइंट हुआ था ये। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। अगेन अकबर, टोकन करेंसी तो हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। सड़के आजम, तो एक बार देखते हैं सही मैच क्या होगा। सही मैच होगा अकबर का है आईने दसला, मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी से रिलेटेड है, और इल्तुतमिश चहलगानी अमीर का सिस्टम लेके आया था, और शेर शाह को कहा जाता है सड़के आजम क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना जीटी रोड इसी ने बनवाया था। तो आंसर होगा 21 का सी। 22 नंबर, जब्ती सिस्टम ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट वाज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 22 का करेक्ट आंसर होगा अकबर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पुर्तगीज अमंग द मेजर फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड विजयनगर। निकोलो डो कॉन्टी एक जो था ये इटालियन ट्रैवलर था, बाकी नूनीज, डोमिंगो पीस और बारबोसा ये सब जो थे ये पुर्तगीज थे। निकोलो डी कॉन्टी एक इटालियन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जैनिज्म बिलीव्स इन द सोल, द नेम ऑफ महावीर वाइफ वॉज यशोदा, ये दोनों सही है। देर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ गॉड इन जैनिज्म, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द 22nd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज पार्शनाथ, रॉन्ग, दिस इज 23rd, ही वॉज 23rd। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपदा, तो इनिशियली इसकी कैपिटल थी राजगृहा, बाद में ये पटना हुई थी पाटलिपुत्रा, बट आंसर इसमें राजगृहा होगा। द मेन इंडस साइट चनहुदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, आंसर होगा इंडस रिवर। द वर्ड अघन्या यूज इन द पैसेजेस ऑफ ऋग्वेदा इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर होगा 27 का सी, काऊ। द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर विच वॉज एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स, तो 28 का राइट मैच होगा सोम प्रकाश, करेक्ट आंसर होगा सोम प्रकाश। द फर्स्ट इवेंट रिलेटेड टू फ्रीडम मूवमेंट अमंगस्ट द फॉलोइंग वॉज, कौन सा है बताओ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, सॉल्ट सत्याग्रह, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन सब में पहले कौन सा हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा 29 का, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन सब में पहले हुआ था, क्योंकि ये सब तो 1930 वाली है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 30 में हुआ था और ये 29 में ही हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड सेवियर ऑफ इंडिया बाई फ्लोरेंस नाइटिंगल, तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ए, लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगल ने बोला था कि ही वॉज द सेवियर ऑफ इंडिया। वैसे भी इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये करता है क्या, ये करता है, आंसर होगा माइक्रोफोन। आप बोलते हैं वो और वो साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन विच ऑर्डर इज़ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायर बेसिकली कनेक्टेड, तो या पैरेलल होगा या सीरीज होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का आंसर होगा पैरेलल में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी में यूज होता है ऑक्सेलिक एसिड। लो थर्मल इंजन्स आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये यूज़ किए जाते हैं किसमें, ये रॉकेट्स में यूज किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सरे इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। 36 का राइट आंसर होगा ए डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन। विच सेल इज यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में कौन सा सेल यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 37 का बी लेक्लांच सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस और हेट्रोजीनस दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस मिक्सचर में आप अगर देखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ मिक्स हुआ है। तो होमोजीनस मिक्सचर का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मिस्ट। मिस्ट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। 38 का करेक्ट आंसर इज सी। वॉट इज अप्रॉक्सीमेटली द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये होता है 10^-15 मीटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉट इन बॉडी। तो 40 का सही आंसर होगा ए सोडियम 24। द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो करेक्ट आंसर होगा 41 का सी, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, इसका होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन सीरीज इज, अल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। 43 का करेक्ट आंसर होगा CnH2n+2। क्रायोलाइट इज ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, तो इसका सही आंसर होगा एलुमिनियम। एलुमिनियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द सेल। 45 का सही आंसर होगा गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग RNA, तो इट कंटेन्स सुगर कॉल्ड राइबोज, दिस इज ट्रू। इट रिप्लेस द बेस थाइमीन विथ यूरासिल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड इट इज़ फाउंड इन बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। विच कलर पिगमेंट इज फाउंड इन बीट रूट, चुकंदर। करेक्ट आंसर होगा वाइटामिन, वाइटामिन। इन विच फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज माइटोसिस डिवीजन टेक प्लेस। तो आंसर होगा सेल डिवीजन का एक थ्योरी में आता है, ये बैक्टीरिया में भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है, अमीबा में भी होता है। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फ्लाई आस, फ्लाई आस पोल्यूशन इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये थर्मल पावर प्लांट के पोल्यूशन से संबंधित है फ्लाई आस। चेर्नोबिल, चेर्नोबिल एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कंट्री कह लो, कंट्री तो खैर यूक्रेन होगा। ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, आंसर होगा सी न्यूक्लियर एक्सीडेंट। चेर्नोबिल पावर वहाँ पे प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है वो। अब देखते कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर। फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर वॉज शिवाजी, फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर वॉज शिवाजी। औरंगजेब गेव द टाइटल ऑफ राजा टू शिवाजी, ठीक है। एंड शिवाजी मेड रायगढ़ हिज कैपिटल इन 1656। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड जय सिंह, ये 1665 में हुआ था। एंड इन 1674 AD शिवाजी वॉज कोरोनेटेड, गद्दी पे बैठे थे। एंड शिवाजी कैबिनेट वॉज कॉल्ड अष्ट प्रधान, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। शिवाजी डायड इन 1680 AD। नेक्स्ट है भावार्थ, भावार्थ दीपिका वॉज रिटन ऑन भागवत गीता बाई ज्ञानेश्वर, आंसर इज ज्ञानेश्वर। हु रोट रामायण टीका ऑफ रामायणा, करेक्ट आंसर होगा एकनाथ, एकनाथ बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। शिवाजी वॉज सक्सीडेड बाई सांभाजी, आंसर सांभाजी। द फर्स्ट पेशवा टू अटैक दिल्ली वॉज बाजीराव वन, करेक्ट आंसर बाजीराव वन। एंड द लास्ट पेशवा, मराठा पेशवा हु अटैक्ट दिल्ली वॉज, सॉरी लास्ट मराठा पेशवा वॉज बाजीराव द्वितीय, नॉट टू अटैक, लास्ट पेशवा हिमसेल्फ वॉज बाजीराव सेकेंड। अब हम कुछ बैटल्स देख लेते हैं। बैटल ऑफ खेड़ा 1707 में हुआ था बिटवीन साहू जी एंड ताराबाई।
एंड बैटल ऑफ पलखेड़ा 1728 में हुआ था बिटवीन बाजीराव वन एंड निजामुल मुल्क। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे। फर्स्ट हुआ था 1785 से लेकर 82 के बीच में और ये ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ सालबाई से। सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ 1803 से लेकर 1805 तक, ट्रीटी ऑफ देवगांव से ये ख़त्म हुआ। एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ 1817 से 19 और इंड हो गया, इसके बाद पेशवा का पोस्ट ही ख़त्म कर दिया गया। मोदी स्क्रिप्ट वॉज यूज बाई मराठास, मोदी स्क्रिप्ट वॉज यूज बाई मराठास। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1761 में हुआ था, दिस वॉज फॉट बिटवीन मराठा एंड अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली 1761 में, और ये अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। द मुगल एम्पायर हैड चौथ एंड सरदेशमुखी टाइप्स ऑफ टैक्स, ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी ये दो तरीके के टैक्स लेते थे। मुगल नहीं होगा यार, यहाँ पे मराठा होगा, मराठा होगा, नॉट मुगल। द एरिया अंडर कंट्रोल ऑफ मराठाज वॉज कॉल्ड स्वराज्य क्षेत्र, आंसर होगा स्वराज्य क्षेत्र। पेशवा पोस्ट इन मराठा एम्पायर वॉज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। द फॉरेन मिनिस्टर इन द मराठा एम्पायर वॉज कॉल्ड सुमंत, सुमंत। अब कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और उनके फाउंडर्स देख लेते हैं। अवध का फाउंडर माना जाता है सादात खान को। बंगाल को फाउंड किया था मुर्शीद कुली खान ने। कर्नाटक को फाउंड किया था सदातुल्ला खान ने। और हैदराबाद को फाउंड किया था निजामुल मुल्क या फिर चिनक्लिच खान ने इसको किया था। भरतपुर को चूड़ामन और बादान सिंह, ये सब जाट रूलर्स थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर सेट पहला क्वेश्चन। विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन आवर एटमोसफियर, करेक्ट आंसर विल बी डी नाइट्रोजन 78% के आसपास। वेयर इज इंदिरा गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, करेक्ट आंसर तमिलनाडु। वेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड, सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th अप्रैल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द अल्प्स माउंटेन रेंज डज नॉट एक्सटेंड, फोर्थ का राइट आंसर इंग्लैंड, फोर्थ का राइट आंसर इंग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ रसल ऑफ ट्रीज लीव्स अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो कितना साउंड आएगा तो जो ट्रीज़ के पत्ते हैं ना वो हिलने लगेंगे, ये पूछ रहा है बेसिकली कितना डेसिबल पे। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा 100 डेसिबल पे। बाई विच प्रोसेस सॉयल इज जेनरली फॉर्म्ड, तो ये फॉर्म होता है, एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन प्रोसेस, डिपोजिशन। द गल्फ ऑफ खंबात इज सिचुएटेड बिटवीन, ये सिचुएटेड है बिटवीन भावनगर गुजरात एंड सूरत गुजरात। द रेसिडेंस ऑफ सोपमेन, सोमपेन ट्राइब इज, रेसिडेंट ऑफ सोमपेन ट्राइब इज, करेक्ट आंसर होगा सी निकोबार, आंसर होगा निकोबार। इन विच लेयर डज क्लाउड फॉर्म्स, ये फॉर्म होता है ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर इज द राइट आंसर। विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली वाला, आंसर इज सी 10th का सी फिरवानी कमिटी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इज बी मार्शल, आंसर मार्शल। हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये काम करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर देयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसमें थे टोटल 10 शेड्यूल, अभी कितने हैं 12 शेड्यूल। हाउ मच सब्जेक्ट वॉज गिवेन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू वर्क अंडर द 11th शेड्यूल, तो 14th का करेक्ट आंसर होगा ए 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसमें। एंड पंचायती राज सिस्टम जो है PRI बोलते हैं इसमें, ये इस्टेब्लिश हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के इसको ठीक है किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। अगेन लिस्ट वन को, लिस्ट अगला सवाल है, लिस्ट वन में है फॉरेन सोर्सेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कंट्री। तो
फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया है? फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने यस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। प्रीएम्बल लैंग्वेज जो है हमारा, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। एंड गवर्नर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो हमने लिया है वो कनाडा से लिया है। और प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज हमने आयरलैंड से लिया है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 15 का आंसर है डी। 16, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 46, ये DPSP का पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट? तीन तरीके के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और एक होता है रेसिड्यूअल जो कि कुछ बच गया। तो ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है पूछ रहा है। तो टेलीफोन, नेशनल वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो 17 का सही आंसर होगा। नेशनल वाटरवेज आर नॉट द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, 17 का होगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी इलेक्टेड? ये किए जाते हैं ओनली एक साल के लिए। By which Constitutional Amendment Act the members of legislative assemblies of the Union Territory of Delhi and Pondicherry were included in the Electoral College of President? तो ये एक Constitutional Amendment Act लाया गया था जिसका नाम है 70th Amendment Act। पहले ये लोग शामिल नहीं थे, अभी इन दोनों के legislative assembly को, दिल्ली और पौंडीचेरी की बात कर रहा हूँ, include कर लिया है as a in the Electoral College of President। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC बोलते हैं ये, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको नल एंड इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। तो ये कौन सा अमेंडमेंट ला के किया गया था? तो आंसर होगा ये 99th अमेंडमेंट एक्ट। सो द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? आंसर 99th अमेंडमेंट एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेसिस इन गांधारा आर्ट स्टाइल? तो ये इंडियन और जो है इसमें मिक्सचर है किसका, इंडियन और ग्रीस स्टाइल का, ग्रीक आर्ट का ये मिक्सचर है गांधारा आर्ट। दो तरीके के स्कूल उस समय डेवलप हुए थे, गांधार और मथुरा स्कूल। तो गांधार जो था उसी रीजन में था, प्रेजेंट पाकिस्तान कह सकते हैं उस रीजन में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई वेन सांग हु विजिटेड इंडिया इन हिज ट्रेवलॉग? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा, 22 का करेक्ट आंसर होगा ए पाटलिपुत्रा, ए पाटलिपुत्रा इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से अगेन मैच करना है। लिस्ट वन में है वेदास और लिस्ट टू में है ब्राह्मण टेक्स्ट, ठीक है? तो कौन से वेदास से कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट संबंधित है ये आपको मैच करना है। तो ऋग्वेदा से है, करेक्ट आंसर होगा इसका कौशित की, और यजुर्वेदा से है सतपथ, फिर साम वेदा से है पांचविस, और अथर्ववेदा से है गोपथ। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, 23 का होगा डी। अगला है, नासिक इंक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? आंसर होगा इसका गौतम बालश्री इज द राइट आंसर। हु इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब? 25th का करेक्ट आंसर होगा गुरु रामदास। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड विजरत रीच्ड द क्लाइमैक्स? तो 26 का सही आंसर होगा ए तुगलक डायनेस्टी। अमीर खुसरो प्लेड ए पाइनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये खड़ी बोली के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस द पेपर द इंडियन ओपिनियन वॉज नॉट प्रिंटेड? करेक्ट आंसर होगा इसका उर्दू में इसको प्रिंट नहीं किया जाता था, बाकी गुजराती, इंग्लिश और तमिल में किया जाता था। 28 हो गया, 29, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वॉज सपोर्टर ऑफ स्वदेशी? 29th का करेक्ट आंसर विल बी ए दादा भाई नरोजी। हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ आजाद हिंद फौज? आइडिया ऑफ आजाद हिंद फौज पूछा जा रहा है, तो इसका आइडिया लाने वाले थे कैप्टन मोहन सिंह।
जनरली लोग सुभाष चंद्र पे जाते हैं, बट कैप्टन मोहन सिंह आइडिया लेके आते हैं। ये लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। अगेन लिस्ट वन में इन्वेंशन और लिस्ट टू में उसके इन्वेंटर्स। ब्लड चेंज, बैक्टीरिया, बर्थ कंट्रोल पिल्स, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का तो होता है हानेन मान, ठीक है। और चलो इसको मैं करेक्टली मैच ही कर देता हूँ। ब्लड चेंज इज कार्ल लैंडस्टेनर, बर्थ कंट्रोल पिल इज पिनकस, बैक्टीरिया इज लिवेनहॉक। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, 31 का सही आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस, 32 का करेक्ट आंसर होगा एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय द फंगस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 33 का जो मैच नहीं है वो विटामिन ई को हम लोग फिलोक्विनिन नहीं कहते हैं। बाकी विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी सेवन को बायोटीन, विटामिन बी फाइव को पैंथोथेनिक एसिड। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, 34 का सही आंसर होगा डी, 20 अमीनो एसिड्स। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड, इसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, 35 का सही आंसर होगा ए, नेफ्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन दैट कंट्रोल्स प्लांट ग्रोथ, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑक्सिन, ये जो प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मार्स डिजीज इज इन पीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट, तो 37 का सही आंसर होगा बी, मैग्नीज एलिमेंट की डिफिशियंसी से होता है मार्स डिजीज। द हेवीएस्ट एलिमेंट अमंग द गैसेस इज, हेवीएस्ट एलिमेंट अमंग गैसेस इज रेडोन। विच ग्लास इज यूज इन टेलीस्कोप एंड प्रिज्म, राइट आंसर ऑप्टिकल ग्लास। द हेवीएस्ट एलिमेंट अमंग द गैसेस इज रेडोन एंड विच ग्लास इज यूज इन टेलीस्कोप प्रिज्म इज ऑप्टिकल ग्लास। अगला सवाल है, ब्रोंज इज ए मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो ये जो मिक्सचर है ये Cu+Sn का होता है, आंसर होगा बी, मिलेराइट। मिलेराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, मिलेराइट जो ओर होता है ये निकल का होता है। द कलर ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज, इसका सही आंसर होगा पिंक, मिथाइल एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है पिंक। लिस्ट वन को लिस्ट टू से अगेन मैच करना है। खोजकर्ताओं का है ये, स्टील का खोज, नायलन का खोज, डायनेमो का खोज और कार्बोरेटर का खोज। तो 43 का करेक्ट मैच होगा, कार्बोरेटर का खोज किया था जी डेमलर ने एंड इसके अलावा डायनेमो का खोज किया था हेनरी बेसेमर ने। फिर अगर बात करें हम, सॉरी, डायनेमो का माइकल फैराडे ने। नाइलॉन का खोज किया था डॉक्टर वालेस कैरिज ने और स्टील का किया था हेनरी बसेमर ने। आंसर होगा 43 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव दिस स्मॉल हैव द सेम SI यूनिट, तो वर्क और एनर्जी की जो है ना दोनों की जूल होती है, तो आंसर होगा बी, ठीक है, आंसर होगा बी। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पब्लिश्ड, तो ये नेशनल एक्शन प्लान जो है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के तहत ये डिसाइड किया जाता है। तो ये पहली बार हर कंट्री को बोला गया था कि भैया अपना नेशनल एक्शन प्लान बताइए कि कैसे आप क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगे, क्लाइमेट चेंज को। तो 45 का जो है भारत ने पहली बार 2008 में पब्लिश किया था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो उसका कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी कम होगा, डिक्रीज होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो साउंड का होता है वो सॉलिड में होता है, फिर उसके बाद जो है सॉलिड के बाद
होता है लिक्विड में और फिर गैस में होता है साउंड का सबसे ज़्यादा। तो इसमें सॉलिड देखिए, ये भी सॉलिड है, अल्मीनियम भी सॉलिड है, ग्लास भी सॉलिड ही है, मरकरी एक लिक्विड है। तो 47 का सही आंसर होगा अल्मीनियम। अल्मीनियम में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है साउंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो आंसर होगा इसका 48 का ए, अल्फा रे इज़ नॉट एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। बाकी एक्स रे, गामा रे और यूवी रे सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? संगीत नाटक एकेडमी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था। ललित कला एकेडमी को इस्टेब्लिश किया गया था 54 में, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये 1861 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो सभी करेक्टली मैच्ड है। फेडरेशन कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से, फेडरेशन कप फुटबॉल। चलिए कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। हु अमंग द लेटर मुगल एम्पायर इज नोन एज साहे बेखबर? तो इसको बहादुर शाह बोला जाता है, बहादुर शाह साहे बेखबर बोला जाता है। हु इज नोन एज द लंपट मूर्ख? इसका नाम है जहांदार शाह। हु इज नोन एज द ग्रीनिट कायर? ग्रीनिट कायर आंसर होगा फरुख सियर। रंगीला बादशाह ये था मोहम्मद शाह। हु इज़ नोन एज अ किंग मेकर इन मुगल हिस्ट्री? तो ये सैयद ब्रदर्स थे, पहला था हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, ठीक है, सैयद ब्रदर्स इनको बोला जाता है। ये जिसको चाहते थे उसको गद्दी पे बिठाते थे मुगल हिस्ट्री में। नादिर शाह ने इन्वेड किया था दिल्ली को 1739 में। एट द टाइम मुगल जो एम्पायर था वो था महमूद शाह, मोहम्मद शाह, द लास्ट मुगल रूलर टू सिट ऑन पीकॉक थ्रोन। तो पीकॉक थ्रोन पे, जिसे हम तख्ते ताऊस भी बोलते हैं, तो मोहम्मद शाह इस पे बैठा था, लास्ट मुगल रूलर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन, बिकॉज उसके बाद नादिर शाह इसको उठा के लेके चला गया था, तख्ते ताऊस या फिर पीकॉक थ्रोन को दिल्ली में आक्रमण करके उसको लेके चला गया था। अहमद शाह अब्दाली इन्वेड किया था इंडिया को 8 बार टोटल। एंड द लास्ट मुगल इम्पेरर वाज बहादुर शाह जफर, जिसको बाद में अंग्रेज़ों ने डिपोर्ट कर दिया था बर्मा रंगून में। बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड बाई ब्रिटिश फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसी के कारण इसको रंगून भेज दिया था इन्होंने। लेटर मुगल रूलर्स के बारे में देखते हैं। बहादुर शाह था 1707 से 1712, ये बहादुर शाह द्वितीय नहीं या बहादुर शाह जफर नहीं, ये पहला वाला था। जहांदार शाह था, रूल किया था 1712-1713। फरुख सियर 1300-1719। मोहम्मद शाह 1948, खूब शासन किया इसने। अहमद शाह इसने 1748 से 1754 तक किया। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक किया। और अकबर द्वितीय ने 1806 से 1837 तक शासन किया। बहादुर शाह जफर ने 1837 से 1857 एडी तक शासन किया, लेकिन इसके समय काफ़ी लिमिटेड हो गई थी शासन, एरिया भी इनका कम हो गया था। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखेंगे। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल है इसमें बी, लेक। नेचुरल एक इकोसिस्टम ऐसा होता है जिसमें मैन का कोई रोल नहीं होता, वो नेचुरली बनता है, तो उसका सही आंसर होगा इस केस में लेक। क्योंकि फील्ड तो हम बना सकते हैं, डैम भी हम बनाते हैं, पार्क भी हम बनाते हैं। अगला सवाल है, व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम? तो इसका सही आंसर होगा प्लांट्स। प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। यूवी रे कॉज विच टाइप ऑफ कैंसर? तो ये स्किन कैंसर होता है यूवी रे से, सन से जो यूवी रे आती है, जिसे ओजोन एक्चुअली प्रिवेंट करना चाहिए, लेकिन ओजोन कई बार डिप्लीट हो जाने की वजह से यूवी रे हमारे स्किन पे आती है और स्किन में स्किन कैंसर कर सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैस? नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथा का राइट आंसर इज सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। चौथा का होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज बेस्ट फॉर कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन? तो ये होता है सोलर सेल। सोलर सेल जो है बहुत ही, एक तो रिन्यूएबल है और कोई इमिशन वगैरह भी नहीं होता है, कोई लॉस नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोफ्यूल?
सो बायोफ्यूल आर कॉस्ट इफेक्टिव, दिस इज़ रॉन्ग, दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. बाकी सब सही है, जैसे कि बायोफ्यूल इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम मेज, बायोफ्यूल इज़ इको फ्रेंडली, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, एंड बायोफ्यूल्स कैन कंट्रीब्यूट टू द सोल्यूशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. माउंट किलिमंजारो एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका का, ये किस कंट्री में है, इन विच कंट्री इट इज़ लोकेटेड, तो 7th का राइट आंसर तंजानिया में है ये. एंड विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून को, तो ये जो है, ये जो जगह है ये है तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून की वजह से रेन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, 9th का करेक्ट आंसर ट्यूनीशिया. विच सॉयल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कैस्यू कल्टिवेशन, 10th का राइट आंसर इज लैटेराइट सॉयल इज द राइट आंसर. वेन वॉज द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड, सो दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1983 AD. In which year the employees state insurance scheme was launched in India? So 12th का राइट आंसर इज 1952 AD में ये लॉन्च किया गया था. Which of the following is also known as service sector? तो टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है. द रियल जीडीपी इज मेजर्ड ऑन कॉन्स्टेंट प्राइस. हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द एक्सपल्शन ऑफ वेल्थ एविल ऑफ ऑल एविल, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दादा भाई नौरोजी. ड्रेन ऑफ वेल्थ की भी थ्योरी इन्होंने ही दी थी. नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये एक DPSP है. DPSP हैज़ बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू बी हर्ड इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, तो 18 का सही आंसर होगा अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं. बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर इज अ प्रोविजन फॉर नो चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज टिल द ईयर 2026, तो 19th का करेक्ट आंसर होगा ए, 84th अमेंडमेंट. 2026 तक कोई चेंज नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ेंगे. अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, 20th का करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 53. एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी टू बी हेल्ड इन ए ईयर, तो एटलीस्ट 3 times, यूजुअली 3 times ये करना है. ट्वाइस एटलीस्ट होना चाहिए, बट यूजुअली ये 3 times होता है. एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए बट यूजुअली 3 times होता है ये, ठीक है. थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस है, एक क्वेश्चन आया था 67th PPSC में कि यूजुअली कितनी बार, कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के एक साल में, तो 3 इसका आंसर था. लेकिन यहाँ पे पूछा है मिनिमम नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरीली 2 times तो होना ही चाहिए, ठीक है, आंसर होगा इसका बी. अगला सवाल देते हैं. इट इज़ मैंडेटरी टू पास अ बिल टू क्रिएट ए न्यू स्टेट इन इंडिया, क्या करना होगा उसको, तो हम जानते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, तो भाई ये सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट पास कर दो, एक नया स्टेट तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. इन इंडिया हु इज़ कॉल्ड द आर्टिस्ट ऑफ पंचायती स्टेट सिस्टम, तो इसका सही आंसर होगा सी, वी आर मेहता इट्स द राइट आंसर. इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, 24 का सही आंसर होगा बी, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 AD. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाई विच कंट्री, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस इज द राइट आंसर. हु बिल्ट द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा वॉज बिल्ट बाई राजराज 1, आंसर होगा 26 का राजराज 1.
26 का सी, हुज एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट इन सल्तनत पीरियड, 27 का आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। वॉट वॉज द रिलीजियस टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द नॉन मुस्लिम्स इन सल्तनत पीरियड कॉल्ड, तो इसका सही आंसर होगा जीजिया, जीजिया कर बोलते थे इसे, जजिया जीजिया। कंसिडर द फॉरन ट्रेवलर्स हु केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के समय कौन कौन आया था, इसके समय ओनली बरबोशा आया था, बरबोशा इज द राइट आंसर, ओनली बरबोशा, सॉरी नहीं आया था बरबोशा खाली, बट पूछा है कि यस नहीं आया था ना, तो बरबोशा नहीं आया था, बाकी ये तीनों आए थे, बर्नियर मनुकी और ट्रेवेनियर भी आया था शाह आलम के समय, शाहजहाँ के समय सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज मेंशन्ड एज राज बितकर और एलिफेंट हंटर, तो 30 का सही आंसर होगा बी, देवराय द्वितीय। गिरनार इंक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, तो ये जो है ये रिलेटेड है रुद्र दमन से, यहाँ पे गिरनार जो है यहाँ पे सुदर्शन लेक को जो है इसने ठीक करवाया था, उसका मेंशन है। द ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ सेविज्म इज, ओल्डेस्ट सेक्ट तो ये है पशुपत। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हार्ड पेनांस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन इनलाइटनमेंट, तो टोटल इनको 6 साल लग गया था, इतने के बाद में, इतना पेनांस करने के बाद में इनको इनलाइटनमेंट मिला और ये बुद्धा कहलाए। रिवोल्यूशन इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया एंड वी शुड लीव क्विकली, हुज स्टेटमेंट इज दिस, तो इसका सही आंसर होगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी वाज, फर्स्ट मास मूवमेंट था इनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट मास मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वैसे तो इनका चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह था लेकिन मास मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फ्रॉम वेयर डिड द सेव सॉयल मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया, सेव सॉयल मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया, आंसर होगा महाराष्ट्र। When was the session of Indian National Congress held in the village for first time? 37 का करेक्ट आंसर होगा 1937. सुभाष चंद्र बोस was first given, was सुभाष चंद्र बोस was given the title of देश नायक by whom? तो ये देश नायक का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको दिया था। Which compound is always formed during the mixing of sugars? तो इसका सही आंसर होगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। विच आइसोटोप इज यूज टू कंट्रोल ब्लड कैंसर, तो हम जानते हैं कि कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं हम लोग ब्लड कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए, से ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, तो ये होता है एंथ्रासाइट कोल में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ नाफ्टा, नाफ्टा है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें मेक्सिको है, इसमें यूएस है और कनाडा है, ग्रेट ब्रिटेन इसमें नहीं है, तो आंसर होगा 42 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज केप्ट इन ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में रखा जाता है बोथ बी एंड सी, दैट इज सोडियम नाइट्रेट एंड डेक्स्ट्रो। विच ऑफ द Which of the following is not a greenhouse gas? 44 का करेक्ट आंसर होगा ए, ऑक्सीजन इज नॉट अ greenhouse gas. Where is the image formed in far sightedness? दूर दृष्टि दोष में कहाँ पे जो है आपका इमेज बनता है, तो ये बनता है बिहाइंड द रेटिना। Which of the following statement are true regarding geostationary satellite? देख लेते हैं statements को, तो इसका सही आंसर होगा ट्रू पूछा है, तो इट रोटेट्स एट सर्टेन हाइट, ये सही है, एनी हाइट पे नहीं हो सकता है, ठीक है, हाइट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट रोटेट्स एट ए हाइट अबव द पोल, दिस इज रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर होगा डी, हाइट के मामले में एक सर्टेन हाइट इसको देना है तभी ये जियो स्टेशनरी बनता है। एट एन इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म
डैश देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे होगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इसको मूव करना होता है तभी इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो ये हमेशा जो है इन्वर्टेड होता है। 48 का सही आंसर होगा इन्वर्टेड, 48 का सी। 49 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज द जेनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वर्क। तो ये वर्क करता है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। आंसर होगा 49 का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल दोनों, यानी कि आंसर होगा ए। बाकी ये ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी बर्नौली थ्योरम ये सब पे नहीं काम करता है क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़रूरी है। डैम बना के पोटेंशियल एनर्जी हम स्टोर करते हैं वहाँ पे और फिर उसको नीचे गिराते हैं, उस नीचे टर्बाइन लगा होता है तो उससे एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो दोनों होगा 1 और 2 ओनली। अगला सवाल 50 नंबर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है कन्वर्ट करता है एनर्जी को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स टू रिमेम्बर। पहला फैक्ट है डैश डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। तो वास्को द गामा इंडिया आया था 1498 में, प्रिसाइजली 17 मई कैलीकट उतरा था, जमोरिन के हेल्प से ये वहाँ पहुँचा था, जमोरिन ने स्वागत भी किया था इसका। डैश बिकम द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय इन इंडिया। तो ये है फ्रांसुआ दी अल्मेदा। ब्लू वाटर पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बाई फ्रांसुआ दी अल्मेदा। ठीक है, मतलब सुपरमेशी, ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब उस एरिया में सुपरमेशी करना फ्रांसुआ दो अल्मेदा का ये इम्प्लीमेंटेशन था। अल्फांसो द अल्बुकर्क वाज वन गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह, 1510 में गोवा जीत लिया था इसने। द पुर्तगीज ओपेंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचिन, द डच ओपेंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मुसलीपतनम। आंसर होगा मुसलीपतनम। एंड द ब्रिटिश वेयर अलाउड बाई जहांगीर टू ओपन फैक्ट्री इन सूरत इज द राइट आंसर। द बेदारा टुक प्लेस बिटवीन द डच एंड द ब्रिटिश 1759। ठीक है, द बैटल ऑफ बांडीवास बहुत फेमस बैटल है, 1760 में लड़ा गया था, ये लड़ा गया था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, बैटल ऑफ बांडीवास। द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच द मुगल कोर्ट वॉज कैप्टन हॉकिंग्स, 1609 में आया था जहांगीर के कोर्ट में। द गोल्डन डिक्री वॉज इशूड टू ब्रिटिश बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन 1632 AD। सर थॉमस रो केम टू जहांगीर कोर्ट, ये कब आया था, 1615 AD में आया था। द पुर्तगीज गेव बॉम्बे इन डॉरी टू चार्ल्स द्वितीय, 1661 में ये दिया गया था, 1661 में। चार्ल्स द्वितीय गेव बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी एनुअल रेंट ₹10 दिया था, 10 रुपये के एनुअल रेंट पे, उस समय 10 रुपये की बहुत वैल्यू थी, 10 करोड़ क्या, 10 करोड़ से भी ज़्यादा हुई होगी। तो ये 1668 AD में दिया गया था। अब देख लेते हैं फॉरेन की जो कंपनियां आई थी उनका स्टेप फाउंडेशन ईयर। पुर्तगीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका फाउंडेशन ईयर माना जाता है 1498 AD। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 AD, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि ये 1498 नहीं होना चाहिए, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का ये फाउंडेशन डेट नहीं हो सकता है, बिकॉज ये ईयर जो है इसमें वास्को द गामा कैलीकट आया था। आप भी चेक करना और कमेंट करके मुझे बताना। अब कुछ वॉर्स देख लेते हैं, वॉर और ईयर और ट्रीटी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था 1746 से लेकर 1748 के बीच में, इसमें ट्रीटी ऑफ आला सपल, एक्सला सपल एक्चुअली होना चाहिए, के द्वारा इसको फिर वाइंड अप किया गया था। सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था 1749 से 1754 के बीच में, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद इसको वाइंड अप किया गया था। और थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था 1756 में से लेकर 1763 के बीच में, ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद इसको ख़त्म किया गया था। वही अगर बात करें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की,
तो ये वार हुआ था 1767 और 1769 के बीच में, ट्रीटी ऑफ मद्रास से ख़त्म किया गया था। इस समय हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी हैदर अली था इसमें एक्टिव, बट उसका बेटा भी उस समय आ गया था पिक्चर में। 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के द्वारा ये ख़त्म हुआ। वारन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1790 से 92 के बीच में, ट्रीटी ऑफ श्री रंगपत्तनम के द्वारा ख़त्म हुआ था। लॉर्ड कर्नवालिस उस समय शासक था, गवर्नर जनरल था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार ये इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 में, लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल था। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट वन ऑफ द केव्स ऑफ बराबर बिल्ट, केव्स ऑफ बराबर बिल्ट बाई इम्पीरियर अशोका। तो देखिए अशोका भी वहाँ पे बनाया था, बराबर केव्स जो है बिहार में है, और अशोका और उसका नाती दशरथ इन दोनों ने मिल के बनवाया था। तो कौन सा इसमें अशोका ने नहीं बनवाया था ये पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा नागार्जुनी केव जो है ये दशरथ ने बनवाया था, दशरथ ने। बाकी सुदामा केव, कर्ण केव, विश्व झोपड़ी बोलते हैं इसको, विश्व चौपर बोलते हैं, झोपड़ी भी बोलते हैं, ये सब अशोका ने बनवाया था। द फॉलोअर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जैन तीर्थंकरा वेयर कॉल्ड निर्ग्रंथास, तो सही आंसर होगा इसका सी पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। विच इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट कोस्टल लेक इज चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है। वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसका सही आंसर होगा 4 का B 5, धौलाधर एंड मसूरी कम अंडर विच रेंज ऑफ हिमालय, तो 5वां का सही आंसर होगा सी लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज अग्नि आइलैंड, तो 6ठा का सही आंसर होगा आइसलैंडिक आइलैंड, आइसलैंडिक आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज अग्नि आइलैंड। वेन वॉज द फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन स्टार्टेड बाई ONGC इन बॉम्बे हाई, तो इसका सही आंसर होगा 1994 में, इन विच सॉयल द एक्शन ऑफ कैपिलरी इज मोस्ट इफेक्टिव, आंसर इज बी सैंडी सॉयल, सैंडी सॉयल में कैपिलरी एक्शन मतलब कि पानी का ऊपर चढ़ना, पानी का ऊपर चढ़ना इज कैपिलरी एक्शन। इन विच ईयर वॉज द स्पेस प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया, स्पेस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन इंडिया इन 1962, आंसर 1962। विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, 10th का करेक्ट आंसर होगा द हिंदू, द हिंदू इज द राइट आंसर। हु स्टार्टेड द वन महोत्सव, सो 11 का करेक्ट आंसर होगा के मुंशी स्टार्टेड द वन महोत्सव। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक ग्रास वीड इज, इसके वजह से जो है ना मतलब हाहाकार मच गया था, इसका सही आंसर है सी आइकॉर्निया, आइकॉर्निया इज द राइट आंसर, 12 का सी आइकॉर्निया। विच ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिलेटेड टू मार्केट, 13 का सही आंसर होगा कैपिटल लाइबिलिटी मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू मार्केट। हु अमंग द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल, तो ये चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ, फाइनेंस मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, 15 का सही आंसर होगा सेल्स टैक्स इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट सेड इकोनॉमिक्स इज द आइडियल साइंस, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट सेड इकोनॉमिक्स इज द आइडियल साइंस, 16 का सही आंसर होगा बी मार्शल। 17 अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड, तो ये इनका आर्टिकल जो है एक्सक्लूसिव आर्टिकल है, आर्टिकल 148। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फॉर्मर पुर्तगीज टेरिटरी वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया एंड गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, 18 का सही आंसर होगा डी 12th अमेंडमेंट एक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
तो ये नहीं थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के, नहीं थे मेंबर चेयरमैन। बाय विच एक्ट द इंक्लूजन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया ब्रिटिश इंडिया वाज इनिशिएटेड, तो ये हुआ था इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 AD के बाद। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड इन द स्टेट, तो 21 का सही आंसर होगा आर्टिकल 243K। हु फर्स्ट पुट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, तो ये किया था, ये आइडिया दिया था M.N. रॉय, जो कि बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, कॉम्युनिस्ट कह लो, सोशलिस्ट कॉम्युनिस्ट हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर वॉज बीन टेकन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने इसे लिया है कैनेडा से, कैनेडा से जो भी बच गया। तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन सब में कुछ कुछ मैटर्स दिए गए हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मैटर आया जो इन तीनों में नहीं है, तो उसको उस पर जो है पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी, सेंटर एक्ट बनाएगी। ये पावर हमने अपने लिए प्रिजर्व किया और ये हमने लिया है कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटेल्ड स्टोरी ऑफ द ट्रिक्स चाणक्य प्लेड अगेंस्ट चंद्रगुप्त एनिमीज, करेक्ट आंसर होगा 24 का डी, मुद्रा राक्षस में ये मेंशन किया गया है। फ्रॉम वेयर हैज़ एन इंक्रिप्शन ऑफ लार्ज साइज ऑफ 10 साइंस ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट बीन फाउंड, तो ये धौलावीरा से पाया है हमने, धौलावीरा से, आंसर होगा बी धौलावीरा। हुज इंक्रिप्शन इज फाउंड ऑन प्रयाग प्रशस्ति पिलर ऑफ समुद्रगुप्ता, तो 26 का करेक्ट आंसर होगा 26 का बी जहांगीर। खजुराहो टेम्पल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, 27 का आंसर होगा डी बोथ हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। वेयर वॉज द सेकेंड संगम ऑर्गेनाइज, सेकेंड संगम वॉज रीऑर्गेनाइज इन कपड़ापुरम, आंसर होगा बी कपड़ापुरम, सेकेंड संगम ऑर्गेनाइज हुआ था कपड़ापुरम में। द सुल्तान हु रोट पारसी पोएम्स टाइटल गुल रुखी वाज, 29 का सही आंसर क्या होगा, 29 का होगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड द इंग्लिश गोल्ड करेंसी एज द लीगल करेंसी ऑफ इंडिया, आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। द फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कौन कौन से हैं इसमें, IPR से रिलेटेड, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, GI, लेबर स्टैंडर्ड्स, तो 31 का सही आंसर होगा 1, 2, 3, लेबर स्टैंडर्ड नहीं है, 1, 2, 3 ओनली। लिस्ट वन को लिस्ट टू से अगेन मैच करना है, लिस्ट वन में है मूवमेंट और रिवोल्ट और लिस्ट टू में अफेक्टेड एरिया। कूका मूवमेंट हम जानते हैं पंजाब से है, मोपला केरल से रिलेटेड है, यहाँ पे थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला भी रंग आ गया था। खस्सी, खस्सी कहाँ से होगा, खस्सी ट्राइब तो हम जानते हैं असम में ही है, बचा क्या बंगाल, तो फकीर रिवोल्ट बंगाल से ही है, तो आंसर होगा 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 करेक्ट आंसर सी, 32 का आंसर इज सी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ वुमेन इंडिया एसोसिएशन, 33 का करेक्ट आंसर है लेडी सदाशिव अय्यर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलुमिनियम ओर, 34 का आंसर होगा कुरंडम, कुरंडम इज एन एलुमिनियम ओर। वॉट इज यूज्ड टू रिवाइव द कलर्स ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स, 35 का करेक्ट आंसर होगा बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अंडर विच ब्लॉक ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर इंक्लूडेड, 36 का करेक्ट आंसर होगा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी सेड टू बी मोर वोलेटाइल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, 37 का आंसर होगा दैट इज इन NRI डिपॉजिट, नॉन रेसिडेंशियल डिपॉजिट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI। वोलेटाइल इसलिए हो कहा जाता है क्योंकि ये लोग जैसे देखते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी थोड़ी भी अगर इधर उधर हो रही है तो तुरंत वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं, अगर देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें ग्रोथ आने वाला है तुरंत पैसा डाल देते हैं, तो इसलिए वोलेटाइल कहा जाता है ऐसे पैसे को। ए लेंस हैज़ ए पावर ऑफ 2 डायोप्टर
द टाइप और नेचर ऑफ द लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ विल बी व्हाट। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा, ये सबसे पहले तो ये एक जो होगा ये एक कॉन्वेक्स लेंस होगा और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो 0.5 मीटर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है 1/d के बराबर होता है, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो प्रेशर है मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होगा अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो। पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। पायरोमीटर 40 का आंसर होगा सी, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज करते हैं, स्पेशली सन वगैरह को, सन वगैरह का टेम्परेचर मेजर करना हो तो पायरोमीटर यूज किया जा सकता है। द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर्स क्या मेजर करता है। इट मेजर्स एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल कंटेन डीएनए। तो 42 का सही आंसर होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को कंटेन करता है। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये जो है बहुत कम होता है, इनका ज़्यादा नहीं होता, ये 120 डेज में बर्बाद हो जाते हैं, स्प्लीन में जाके ये ख़त्म हो जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल। आंसर होगा एस्कैरिस इज द राइट आंसर। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, एक तरफ है सब एंजाइम्स और दूसरी तरफ है किस काम में इनका यूज होता है, कहाँ पे यूज होते हैं ये। तो लाइपेज का यूज होता है फैट को डिजोल्व करने में, फैट डिजोल्यूशन एंजाइम माना जाता है इसको। एमाइलेज का यूज कहाँ पे होता है, एमाइलेज का यूज होता है इसका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। और इरेप्सिन का यूज होता है एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का। ट्रिप्सिन का यूज होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। तो आंसर होगा हमारा बी, 45 का करेक्ट आंसर होगा बी। 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी। हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन करना है ऑक्सीजन को। क्या ऑक्सीजन जो है बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ ईजिली, लेकिन एक फैक्ट बताता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप देखोगे अगर इन्वायरमेंट में है CO, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन को लात मार देता है और हीमोग्लोबिन से उसको लात मार के खुद अटैच हो जाता है, तो जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए पोल्यूशन अच्छा नहीं है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO सिचुएटेड। तो ये सिचुएटेड है रोम इटली में, ठीक है, रोम इटली में। इन विच स्टेट इज गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड, गोलकोंडा फोर्ट जो है ये लोकेटेड है कर्नाटक में, तो सॉरी तेलंगाना में, नॉट इन कर्नाटक, तेलंगाना। विथ विच सेक्ट इज द बुक बिसुधिमागा रिलेटेड टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, विच इज नोन एज जय संहिता। जय संहिता के नाम से हम जानते हैं महाभारत को। आंसर होगा महाभारत। अब कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर में देख लेते हैं फैक्ट्स। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। तो ये शिफ्ट किया था मुर्शीद कुली खान ने, और मुर्शीद कुली खान ही जो है वो बंगाल का फाउंडर माना जाता है। हु शिफ्टेड द कैपिटल हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो ये मीर कासिम ने अंग्रेजों के इंटरफेयर से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल मुंगेर ले आया था बिहार में। हु स्टार्टेड इजरेदारी सिस्टम इन बंगाल। तो ये स्टार्ट किया था मुर्शीद कुली खान ने। ड्यूरिंग हुज रेन बंगाल वॉज कॉल्ड पैराडाइज ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल वॉज कॉल्ड पैराडाइज ऑफ इंडिया इन अलीवर्दी खान के पीरियड में। द फेमस बैटल ऑफ गिरिया टुक प्लेस 1740 में हुआ था गिरिया का बैटल। द ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपेंड ऑन 20 जून 1756 को हुआ था, जिसमें एक रूम में बताते हैं कि बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया था मीर कासिम ने और उनका देहांत हो गया था, बहुत सारे मर गए थे उसमें सफोकेशन से। बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। 23 जून 1757 को हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। जाता है बैटल ऑफ बक्सर, दिस टुक बिटवीन ब्रिटिश फोर्स एंड मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम तीनों का मिलकर।
ब्रिटिश वर्सेस तीनों, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। फिर भी हार गए लोग और ब्रिटिशर्स जीत गए। हेक्टर मुंडो की सेना ने इनको हरा दिया ब्रिटिश के। द क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिख सेक्ट गोज टू गुरु नानक, आंसर होगा गुरु नानक। गुरु नानक वॉज कंटेम्प्रोरी ऑफ विच मुगल रूलर, करेक्ट आंसर होगा बाबर और हुमायूं के ये कंटेम्प्रोरी थे। हु स्टार्टेड फ्री भोजनालय लंगर, तो ये गुरु नानक ने ही स्टार्ट किया था। हु इंट्रोड्यूस्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ये गुरु अंगद ने किया था, गुरु अंगद वेरी फेमस। अकबर डोनेटेड मेनी विलेजेस टू डॉटर ऑफ विच ऑफ सिख गुरु, बीबी भानी, तो ये गुरु अमरदास के डॉटर को ये कई सारा जो है विलेजेस दान में दिया था इन्होंने। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर एंड बिल्ट द टैंक देयर, आंसर होगा गुरु रामदास। हु रोट द सिख रिलीजियस टेक्स्ट आदि ग्रंथ, तो ये गुरु अर्जुन ने इसको लिखा था। हु बिल्ट द अकाल तख्त और थ्रोन ऑफ गॉड, तो ये गुरु हरगोबिंद ने इसको बनाया था। गुरु गोबिंद सिंह द 10th और एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख वॉज बॉर्न इन पटना, 1666 में इनका जन्म हुआ था। एंड इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लो। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द ट्रू पदशाह एंड ही आस्क द पीपल ऑफ द सिख कम्युनिटी टू एड सिंह टू द एंड ऑफ देयर नेम। ही अलाउड द सिख सिटीजन्स टू कीप हेयर कॉम्ब कृपान कंछा कच्छा कपड़ा कड़ा, तो कहते हैं ना केस कंघा कृपान कच्छा कड़ा। ही रोट जफरनामा इन पर्शियन लैंग्वेज, जफरनामा इन्होंने लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुआ था, ये साइन हुआ था 25 अप्रैल 1809 को। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था, सिखों से रिलेटेड है ये, 9 मार्च 1846 को। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल 22 दिसंबर 1846 को साइन हुआ था। दो वार भी हुए थे सिख का एंग्लो के साथ, मतलब ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश फोर्स के साथ। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 1846 के बीच में हुआ था, काफ़ी सप्रेस किया गया था इनको, लॉर्ड हार्डिंग उस समय था। सेकेंड एंग्लो सिख वार 1849 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। चलिए अब हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 28 का पहला क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दिस पासिस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एज ए रिजल्ट, क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से पास होता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है। एज ए रिजल्ट जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज फाउंड इन साउदर्न हाफ ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न हाफ में नहीं होता है, नॉर्दर्न हाफ में टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट रहता है, साउदर्न हाफ में ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट रहता है। द टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन द साउदर्न हाफ ऑफ द कंट्री, ये गलत है, तो सही आंसर होगा बी, एक का होगा बी। द एक्सपेंशन ऑफ शिवालिक इज बिटवीन विच प्लेस टू विच प्लेस, तो ये है बिटवीन पोतवार बेसिन टू तीस्ता रिवर, एक शिवालिक इसी के बीच में है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, सो बेसिकली हेड इन्फ्लेशन होता है एक्सक्लूडिंग बोथ फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूअल इन्फ्लेशन, को हटा दो इन्फ्लेशन में से फूड इन्फ्लेशन और फ्यूअल इन्फ्लेशन को हटा दोगे तो कोर इन्फ्लेशन निकल के आ जाता है। विच स्टेट कनेक्ट्स इंडियन ओशियन टू दैट ऑफ द रेड सी, तो सही आंसर लाल सागर को इंडियन ओशियन से जोड़ने का काम करता है कौन, ये करता है बाब अल मंदेब। विथ हुम इज रंगराजन कमेटी रिलेटेड, तो ये रिलेटेड है, आंसर होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से रिलेटेड है। बाई हुम इज़ द एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए पर्सन एसेस्ड, तो ये एसेस किया जाता है पर कैपिटा इनकम से, पर कैपिटा इनकम के साथ इसको एसेस किया जाता है। ओवर व्हाट कैपिटल फॉर्मेशन इज इन एन इकोनॉमी डिपेंड, किस चीज़ पे कैपिटल फॉर्मेशन जो है इकोनॉमी की डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है टोटल सेविंग्स पे। बाय हुम इज़ द इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड, ये सेबी करता है, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। When was the value added tax VAT implemented for the first time in India? तो ये किया गया था 2005 में, इसको implement किया गया था। Green muffler is related to, ये क्या होता है, ये air pollution से related होता है, 10 का सही answer होगा C, sorry noise pollution से related होता है, not air pollution, muffle कर दिया जाता है noise को ताकि noise जो है ज़्यादा फैले नहीं, muffle कर दिया जाता है। Which of the following is main reason for the origin of tides in the ocean, कारण क्या है, कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून,
विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लायंस? तो ये गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में पड़ता है. आंसर होगा बी. व्हेन वाज न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1988 में. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक और लेक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर ग्रेट लेक्स? तो 14 का सही आंसर होगा डी, ग्रेट बैरियर को इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें. ग्रेट लेक्स में विक्टोरिया लेक वगैरह है इसमें. ए रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट इज पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेजोरिटी? तो 15 का सही आंसर होगा, ये मेजोरिटी होती है सिंपल मेजोरिटी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर होगा द सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा वॉज इस्टेब्लिश बाई रेगुलेटिंग एक्ट. दिस इज ट्रू. लेमिस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द दिस कोर्ट? गलत. तो हमारा आंसर होगा ए ओनली. बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द एज लिमिट ऑफ मेम्बर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज इंक्रीज फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स? तो ये किया गया था 41st अमेंडमेंट एक्ट ला के. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग 0 hour इन पार्लियामेंट प्रोसीजर? सो इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड इट कंटिन्यूड फ्रॉम 1962. 18th का सेकेंड भी सही है. इट इज़ एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ इन विच मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस, ये भी सही है. तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. अगला सवाल, हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करने का जो पावर है ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. आंसर होगा ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट कैन पार्डन द पनिशमेंट ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड अंडर आर्टिकल 76. ऐसा नहीं हो सकता है. कोर्ट मार्शल में इनका रोल ख़त्म हो जाता है, ये उसको पार्डन नहीं कर सकते मिलिट्री कोर्ट वाला. द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशनड इन? ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच का पावर का डिवीजन ये किस में? द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशनड इन. ये हमने आर्टिकल जो है ये हमने कहाँ से उठाया है? ये उठाया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से 1935 हूबहू उठा के डाल दिया है. बाई विच मीन्स द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़ वॉज मर्ज्ड विथ इंडिया? तो ये हुआ था रिफरेंडम के द्वारा, रिफरेंडम लाया गया था, जनता से पूछा गया था, जनता ने बोला मर्ज कर दो. इन विच शेड्यूल 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया आर मेंशन? तो 8th शेड्यूल में. आंसर होगा बी, 23 का आंसर होगा बी. हु यूज टू कैच क्रिमिनल्स इन वैदिक पीरियड? तो 24 का सही आंसर होगा उग्रा, उग्रा. हु वॉज द मेन जैन तीर्थंकरा ऑफ द सेकेंड ऑर्डर? तो सही आंसर होगा इसका 25 का डी, अजीतनाथ. प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन अबाउट वैष्णविज्म वैष्णविज्म इज फाउंड इन? 26 का आंसर होगा सी, उपनिषद्स. इन विच इंक्रिप्शन ऑफ अशोका सेल्फ कंट्रोल हैज बीन टॉट? 27 का सही आंसर होगा बी, 6th उपनिषद, 6th इंक्रिप्शन ऑफ अशोका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर लिविंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन? तो 28 का सही आंसर क्या होगा? 28 का सही आंसर होगा ए, एफोरेस्टेशन. अब्दुल रजाक समरकंदी और अब्दुल रजाक ए प्रोमिनेंट फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर वॉज रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बेसिकली कहाँ से आया था? ये आया था पर्सिया से. When did Akbar completely free himself from हरम दल? तो आंसर होगा इसका 1562 में, 1562 AD में. With which treaty did first Carnatic war end? 31st का राइट आंसर होगा ए, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, जो कि इटली में हुआ था, तुर्की में हुआ था. द फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर वॉज ड्यूरिंग हुज रेन? किसके शासनकाल में हुआ था, कौन सा गवर्नर था? तो 32 का आंसर होगा, 32 का आंसर है ए, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो ऐसा कहने वाले बी डी सावरकर तो हो ही नहीं सकते हैं। अब ये तीनों में से देख लो, 33 का करेक्ट आंसर होगा सी, टी आर होम्स ने कहा था। हु फर्स्ट कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी, तो ये कहा था इनको नेताजी एडोल्फ हिटलर ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, नेताजी एडोल्फ हिटलर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट इज टू रिमूव पॉलिटिकल डेड लॉक इन इंडिया, दैट इज क्रिप्स मिशन, ये सही है। फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एक कैबिनेट मिशन आया था जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। सार्जेंट कमीशन लाया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो सभी सही है। लिस्ट वन को लिस्ट टू से अगेन मैच करना है। लिस्ट वन में है स्टडी ऑफ फ्लावर्स को हम किसके तहत पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं किस में, एग्रोनॉमी में या फिर किस में, माइकोलॉजी में तो हम पढ़ते हैं फंगाई के बारे में, ठीक है, और प्लांट फोजिल के बारे में, स्टडी ऑफ क्रॉप्स, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। 36 का करेक्ट आंसर होगा, सभी सही मैच हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रॉप्स एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ प्लांट फोजिल पेलियोजेनेटिक्स और स्टडी ऑफ फंगई माइकोलॉजी। इनटू हाउ मेनी क्लासेस आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड बाई आर एच वाइटेकर, तो इन्होंने जो है इन्होंने 5 क्लासेस में क्लासीफाई किया था। What is the algae that grow on ice called? What is the algae that grows on ice called? तो ये algae को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम cryptophytes. Which of the following is commonly used as an adulterant for mustard seed? 39th का correct answer क्या होगा, 39th का होगा A, that is Argemone seeds. Deficiency of which of the following vitamin causes chelosis disease? तो 40th का करेक्ट आंसर होगा सी, विटामिन B5। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सिंकोना प्लांट क्विनीन इज ऑब्टेंड, तो 41 का करेक्ट आंसर होगा क्विनीन जो है कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है, ये बार्क से ऑब्टेंड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव हार्मोन्स इज सेक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो 42 का सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ देम, दैट इज कोल सिस्टोक्रीन सेक्रेटीन और मोटलिन। रेड कलर ऑफ ग्लास इज ड्यू टू व्हाट, आंसर होगा सी, कुपरस सॉल्ट। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, एक तरफ है एलिमेंट्स दूसरे तरफ है एप्लीकेशन, कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो 44 का राइट आंसर होगा आइसोटोप ऑफ यूरेनियम का यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूल में, कोबाल्ट का हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, तो इसका होगा 1, और हम जो है आयोडीन ग्वाइटर के लिए यूज करते हैं, रेडियम हम सेकेंडरी कैंसर के लिए करते हैं, आंसर होगा बी। विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ नोबल गैस, तो ये ग्रुप 18 को हम नोबल गैस कहते हैं जिसमें हीलियम रेडोन जिनोन ये सब गैसेस आती हैं, 45 का आंसर होगा डी। सिल्वेनाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, सिल्वेनाइट इज ओर ऑफ गोल्ड। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और कैपिटल जी, तो इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तो सही है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, तो आंसर होगा हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव कौन सा है इसमें, 48 का सही आंसर होगा सीरा वेव ऑफ सिस्मिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव। Which of the following magnetic wave is used in nuclear reaction and artificial radio sensitivity? तो 49 का सही आंसर होगा गामा रे, गामा रे इज द राइट आंसर। Which of the following color will have maximum deviation when a ray of light is passed through a prism? तो 50 का सही आंसर होगा वायलेट कलर। अब कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट बोलते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट थे वॉरेन हेस्टिंग।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट था वॉरेन हेस्टिंग, लास्ट था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट था लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग, लास्ट था लॉर्ड माउंटबेटन। इंडियन वायसराय ऑफ इंडिया फर्स्ट थे सी राजगोपालाचारी और लास्ट भी वही थे। डायार्की, डायार्की क्या है? डुअल गवर्नमेंट कहते हैं इसे। डायार्की वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाई रॉबर्ट क्लाइव। द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वॉज साइंड बिटवीन मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय एंड द ब्रिटिश। ये हुआ था 12 अगस्त 1765 को, जिसमें दीवानी दीवानी राइट जो है बंगाल बिहार उड़ीसा की मिल गई थी ब्रिटिशर्स को। रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड डिप्टी दीवान्स फॉर बंगाल एंड बिहार रिस्पेक्टिवली मोहम्मद राजा खान को और राजा सिताब राय को, राजा सिताब राय को ये बनाया गया था। डायार्की, डायार्की वाज एबोलिस्ट फ्रॉम इंडिया। किसने एबोलिस्ट किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। एंड इट वॉज वॉरेन हेस्टिंग हु फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ही डिसकंटिन्यूड एनुअल पेंशन रिसीव्ड बाई मुगल एम्पायर, ख़त्म कर दिया था इसने। एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पास हुआ था वॉरेन हेस्टिंग। एट द सेम टाइम द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वॉज इस्टेब्लिश्ड। एट द सेम टाइम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसे सर विलियम जोन्स ने 1784 में इस्टेब्लिश किया था। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट मदरसा इन 1781 इन कोलकाता। एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट जोनाथन डंकन इस्टेब्लिश द संस्कृत स्कूल 1791 में बनारस में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जोनाथन डंकन ने। इसको वॉरेन हेस्टिंग को कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। किसको किया जाता है? सॉरी, तो आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस। एंड 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लॉन्च किया था, इस्टेब्लिश किया था, इम्प्लीमेंट किया था। रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इन मद्रास प्रेसिडेंसी बाई कर्नल रीड के द्वारा। एंड महलवाड़ी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि टैक्स का कलेक्शन किया जाए, लैंड रेवेन्यू का। हॉल्ट मैकेंजी का ये प्लान था, हॉल्ट मैकेंजी।